इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 की सिविक्स की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट 2। ये वाला जो है पार्ट 2 है, इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। उसमें हम केस देखा था हमने कि शांति के खिलाफ, मतलब एक गलत केस, झूठा क्या, गलत केस चलाया जाता है शक के बिना पर कि उसने चोरी करी है, बट बाद में प्रूफ हो जाता है उसने चोरी नहीं करी है। फिर हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पिलर्स क्या क्या होते हैं, पुलिस होती है, ठीक है, जज होते हैं हमारे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं और डिफेंस लॉयर होते हैं। फिर हमने डीके बसु गाइडलाइंस के बारे में देखा था, और फिर हमने आर्टिकल 22 के बारे में देखा था कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे यहाँ से देखेंगे कि FIR क्या होती है। तो FIR जो होती है, इट इज विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू क्राइम। तो पहले पुलिस को FIR लिखनी पड़ेगी, तभी वो आगे की क्राइम पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लॉ कहता है दैट ये कंपलसरी है फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर FIR वेदर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, जिस पर अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे होते हैं जिन पर अरेस्ट कर सकती है पुलिस खुद से। तो इसमें यही है कि कंपलसरी होता है एक FIR को लिखना। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस एंटायरली ओरली और इन राइटिंग। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि वही क्राइम हुआ है, ये पुलिस को कोई ओरली आके बता सकता है या कोई राइटिंग में भेज सकता है। FIR जो है उसमें क्या क्या लिखा होता है, डेट, टाइम, जिस जगह अपराध हुआ है, और बेसिक डिटेल्स ऑफेंस के बारे में, और डिस्क्रिप्शन की, मतलब क्या क्या हुआ है पूरे इवेंट में, सब कुछ FIR में लिखा जाता है। इफ़ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मैंशन। अगर जिसने एक्यूज्ड पर्सन, जिसने ये काम किया है, अगर उसके बारे में पता होता है और विटनेसेस भी अगर होते हैं तो वो भी FIR में लिखा जाता है। FIR also states the name and address of the complainant। जो कंप्लेन करता है ना, उसका नाम और उसका एड्रेस भी FIR में लिखा जाता है। देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर्ड एन FIR। एक पूरा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, फॉर्म हमारा ये इस तरीके से फॉर्म होता है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, पहले से फॉर्म बना होता है उसमें इन्फॉर्मेशन भरी जाती है, और FIR जो कंप्लेनेंट होता है, जो कंप्लेन करता है, उसके द्वारा FIR जो है फाइल की जाती है। और कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। ठीक है, जो कंप्लेन करता है उसके पास ये भी राइट होता है कि FIR की एक फ्री कॉपी भी पुलिस उसको प्रोवाइड करे। अब आता है द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका रोल क्या होता है, उसका क्या काम होता है। तो देखिए, अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। जो क्रिमिनल ऑफेंस होता है, चोरी करना, मर्डर करना, ये पब्लिक रॉन्ग होता है, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए ये गलत काम होता है। वॉट इज मेंट बाय दिस इज दैट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट अ पर्सन, मतलब जिसके खिलाफ वो काम हुआ है, क्राइम हुआ है, सिर्फ उसके नहीं बल्कि सोसाइटी के खिलाफ वो काम या क्राइम होता है। आपको डू यू रिमेंबर द केस ऑफ डाउरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी हैव रेड इन द प्रीवियस चैप्टर। इससे पहले हमने डाउरी डेथ के बारे में देखा था, सुधा को जला करके मार देती है उसकी सास और उसका पति। ठीक है, तो लक्ष्मण और उसकी फैमिली जो है प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। ठीक है, एक्यूज्ड जो होते हैं, क्योंकि भाई डाउरी जो है वो एक पूरी सोसाइटी के खिलाफ क्राइम होता है, मर्डर कर दिया डाउरी की वजह से। तो उस केस का क्या नाम था, स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। सिमिलरली स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम। ठीक है, स्टेट वर्सेस शांति हेम्ब्रम क्यों, क्योंकि चोरी भी एक क्राइम है। एंड नॉट मिस्टर मिसेस शिंदे एंड वर्सेस शांति हेम्ब्रम, क्यों, क्योंकि चोरी, थेफ्ट जो है वो एक कैसा क्राइम है, सोसाइटी के खिलाफ क्राइम है, इसलिए उसको स्टेट के खिलाफ चलता है केस, स्टेट वर्सेस करके। इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट के, मतलब सरकार के, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। द रूल ऑफ प्रोसिक्यूटर रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगेंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट। तो जो प्रोसिक्यूटर का जो रोल होता है ना, वो तब शुरू होता है जब पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल कर देती है और इन्वेस्टिगेशन मतलब करना शुरू कर देती है। प्रोसिक्यूटर का काम तब शुरू होता है, लॉयर का काम, जब पुलिस चार्जशीट वगैरह फाइल कर देती है कोर्ट में, और उसका रोल इससे पहले नहीं होता। मतलब इन्वेस्टिगेट करने में क्राइम को कोई रोल नहीं होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो केस लड़ता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल
and material facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. तो public prosecutor होता है, इसलिए उसका ये काम होता है कि वो impartial रहे. impartial का मतलब है कोई भेदभाव ना करे, और जो भी material है, जो भी witness है, जो भी evidence है, सबूत मिल रहे हैं, सब कुछ court में पेश कर, ये public prosecutor का काम होता है. public prosecutor सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है. अब जज का क्या रोल होता है? तो जज जो है वो एक एम्पायर की तरह काम करते हैं. जैसे कि कोई गेम में एम्पायर होते हैं, वो देखते हैं कंडक्ट को, मतलब जो ट्रायल चल रहा होता है ना, जो केस चल रहा होता है, वो अच्छे तरह से देखते हैं, दोनों तरफ के दलीलें सुनते हैं, दोनों तरफ के जो वो होता है केस क्या क्या वो बता रहे हैं, वो सारा का सारा सुनते हैं, सारे एविडेंस को देखते हैं, और फिर उसके बाद अपना फैसला देते हैं. जज डिसाइड्स वेदर द पर्सन एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी है या इनोसेंट है, जो एविडेंस उनके सामने रखे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग पे. इफ़ द accused is convicted, अगर उसको सजा करी जाती है, then the judge pronounce the sentence. अगर convict हो जाता है कि हाँ इसने क्राइम किया है, तो जज जो है वो सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं, मतलब वो सजा सुनाते हैं. और अगर पर्सन को जेल भेजा जाना है, उस पर फाइन लगाना है, या जो भी करना है, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से जज वो सुनवाई देते हैं. फेयर ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल का मतलब है जिसमें सबको हक मिले अपनी बात रखने का. तो लेट अस फॉर अ मोमेंट इमेजिन व्हाट हैव हैपेंड इफ द जज डिसाइडेड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली. अगर वो शांति की केस को बहुत अलग तरीके से उनकी सुनवाई करते तो क्या होता कि कोर्ट मतलब कॉपी नहीं प्रोवाइड करता चार्जशीट की शांति को, और ये पहले से ही मान लेता स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो है शांति के, मैं पहले से मान के बैठ जाता कि शांति ने क्राइम किया है, तो क्या होता? तो वो फेयर ट्रायल नहीं होता. बट इफ दट ट्रायल जो है वो एक सीक्रेट लोकेशन पे हो जाता जिसमें शांति या शांति के भाई सुशील को जाने ही नहीं दिया जाता, शांति को लॉयर नहीं दिया जाता, एडवोकेट रॉय को टाइम नहीं दिया जाता क्वेश्चन करने का विटनेस को प्रोसिक्यूशन के, ठीक है. मिसेस शिंदे जो है इंस्टेड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड दैट शांति वॉज गिल्टी, क्योंकि मिसेस शिंदे ने तो कह दिया था शांति गिल्टी है, और कोर्ट भी ये मान लेती तो मतलब ये बात गलत हो जाती. इफ़ अगर ये होता कि शांति को अपनी बात रखने का ही मौका नहीं दिया जाता तो वो अनफेयर ट्रायल होता. वो मतलब शांति को बात रखने का ही मौका नहीं दिया, उसको तो पहले से ही गिल्टी मान लिया, चाहे वो हो या ना हो, तो वो अनफेयर ट्रायल हुआ. दिस इज बिकॉज फॉर अ ट्रायल टू बी फेयर सेवरल डिफरेंट प्रोसीजर हैव टू बी ऑब्जर्व. ट्रायल को अगर फेयर होना है तो काफ़ी सारे प्रोसीजर ऑब्जर्व किए जाएंगे. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट टू लाइफ स्टेट्स दैट अ पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर. क्योंकि हमारे देश का आर्टिकल 21 है, हमें फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, ये हम लोग को गारंटी करता है पर्सन्स लाइफ और लिबर्टी, मतलब आज़ाद रहने का इज्जत से हमें अधिकार है, और इसको नहीं छीना जा सकता एक्सेप्ट बाय फॉलोइंग अ रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर. छीना जा सकता है, आपने कुछ गलत किया है, आपने किसी की जान ली है, तो आपकी जान क्यों ना ली जाए, मतलब है ना कि अगर मर्डर किया है तो उसकी सज़ा भी तो मिलेगी, तो अगर कुछ गलत किया है तो ही आपकी लाइफ या लिबर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वरना नहीं पहुंचाया जा सकता. अब फेयर ट्रायल एंश्योर, फेयर ट्रायल मतलब सबको बात रखने का अपनी अधिकार है. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड, आर्टिकल 21 की मानी गई है. तो शांति के केस में जैसे हमें डिस्क्राइब किया गया स्टोरी बोर्ड के थ्रू, तो उसमें हमें फेयर ट्रायल है, सबको अपनी बात रखने का मौका मिला. तो वही है कि हेयर इज़ माय केस पेपर जिसमें मुझे गलती से मतलब फॉल्सली एक्यूज़ किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि मैंने जो 10,000 रुपये खुद मेहनत से कमाए थे ये लोग कह रहे हैं कि मैंने चुराए हैं, और इस टाइप की बात है ना, चेन बेच कर लेके आई हूँ मैं वो पैसे. तो यही बात है. फेयर ट्रायल में क्या हुआ कि शांति को कॉपी दी गई चार्जशीट की, सारे के सारे जो अदर एविडेंस थे प्रोसिक्यूशन मैंने प्रेजेंट किए थे, ठीक है. शांति को चार्ज किया गया ऑफेंस ऑफ थेफ्ट के लिए, ठीक है, जो कि एक क्राइम है. फिर ट्रायल चला ओपन कोर्ट में, पूरी पब्लिक के सामने, है ना, कोई भी उसमें आके देख सकता था उसे. उसके ब्रदर को भी आने का हक था, सुशील को, वो कोर्ट अटेंड करता था कोर्ट की हियरिंग को. ट्रायल किया जा रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, मतलब जिसके शांति भी उस कोर्ट में रहती थी जब वो केस की सुनवाई चल रही होती थी. शांति को एक लॉयर दिया गया उसको डिफेंड करने के लिए, ठीक है. मिसेस रॉय जो लॉयर थी शांति की, उनको अपॉर्चुनिटी थी कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को, मतलब वही विटनेस जो है ना जो कह रहे हैं कि चोरी करी है, उनसे क्वेश्चनिंग कर सके. ये भी एडवोकेट रॉय को हक दिया गया, और अपॉर्चुनिटी इसलिए शांति को अपॉर्चुनिटी मिली कि उसके डिफेंस में केस चल रहा है. तो वही है. ऑल्दो द पुलिस फाइल्ड अ केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट शांति, द जज अज्यूम्ड हर टू बी इनोसेंट. ठीक है, पुलिस ने तो मान लिया था कि शांति ने किया है क्राइम, मगर जज हमेशा मान के चलते हैं कि
जिसके खिलाफ भी केस चल रहा है वो इनोसेंट है। जज जो है अपनी मर्जी से नहीं, एविडेंस को देख करके पता लगाते हैं कि कुछ क्राइम सच में हुआ है या नहीं हुआ है या जो भी है, ठीक है। इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट शांति वॉज गिल्टी। तो प्रोसिक्यूशन को जिसने मतलब केस किया है ना उस पर दमोदार मतलब कहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये प्रूफ करना कि भाई आपने जिसके खिलाफ केस किया है वो गिल्टी है, उसने अपराध किया है, ठीक है। अगर प्रोसिक्यूशन उसको गिल्टी प्रूफ नहीं कर पाता है, प्रोसिक्यूशन जिसने केस किया है, जो केस लड़ रहा है, जो लॉयर, वो अगर शांति को गिल्टी या फिर गिल्टी का मतलब होता है कि अपराधी नहीं प्रूफ कर पाता तो वो उसको बेल मिल जाएगी। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द जज डिसाइडेड द मैटर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस बिफोर द कोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जज जो है ना वो डिसाइड करते हैं मैटर को जो उनके सामने एविडेंसेज या प्रूफ्स लाए जाते हैं। जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन दैट शांति वॉज अ थीफ जस्ट बिकॉज शी वॉज अ पुअर मेड सर्वेंट, क्योंकि वो मेड है, सर्वेंट है, सिर्फ इसलिए ही शांति चोरी नहीं करेगी। मतलब इस तरीके का जज नहीं सोचते हैं, ऐसा कंक्लूजन पे वो नहीं आते हैं। इंस्टेड जज रिमेन इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब वो किसी की तरफ नहीं होते हैं, वो एविडेंस देख करके अपना फैसला देते हैं। तो इसी वजह से जो है शांति के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला और सब कुछ प्रूफ हो गया कि उसने नहीं किया चोरी, इसलिए उसको फ्री कर दिया गया। इन शांति's केस जस्टिस वॉज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल। तो उसको जस्टिस मिली, न्याय मिला क्योंकि उसको फेयर ट्रायल मिला। फेयर ट्रायल मतलब पूरे के पूरे, मतलब उसको लॉयर भी मिला, उसके जहाँ पे केस चल रहा था वहाँ पे वो प्रेजेंट थी, जज इम्पार्शियल था, है ना। ये सारे के सारे ये चीज़ें फेयर ट्रायल में आती हैं। तो हमें यहाँ पे बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल द पर्सन दैट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन प्रॉपर मैनर। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारे के सारे जो पर्सन हैं उनको अपना जो काम है वो सही तरीके से करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि that they all need to work together, that every citizen irrespective of their class, caste, gender, religious, ideological beliefs get fair and फेयर ट्रायल। मतलब सबको फेयर ट्रायल मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, है ना। अगर उसने क्राइम नहीं किया है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के बारे में हमने देखा है कि सब कानून के सामने बराबर हैं। कहता है कि एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ, द लॉ वुड नॉट मेक सच सेंस इफ एवरी सिटीजन were not guaranteed a free trial by the constitution। तो भाई रूल ऑफ लॉ क्या ही होता अगर फ्री ट्रायल का हक हर किसी को नहीं दिया गया होता। तो हमारा हो गया चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो?